Hey guys, welcome to my channel. This is Sayed this side. I hope you guys are doing absolutely fine. See my vehicle's condition. Today's topic is of brake. See the condition of the ride. Kaisa condition hai dekh. The brake are making noise here. Dono brake noise kar raha hai. Aapko uska solution batata hu. See the condition of my front brake also. वॉश करते हैं गाड़ी को. गाड़ी तो इतना गंदा है. वॉश करके आपसे मिलता हूँ कि कैसे ब्रेक को ठीक करना है. हाँ गाइस, बेसिकली ये अपना ब्रेक है. हाउ टू रिमूव दिस ब्रेक ये बताता हूँ आपको. ये वाला पिन जो आपको दिख रहा है, यू हैव टू रिमूव दिस पिन. एक दिस वन, नदर वन. ये तो हाथ से निकल जाएगा यार. और यू हैव टू रिमूव दिस पिन. ये वाला अगर आपको दिख रहा है इधर वीडियो में, हाँ दिस पिन यू हैव टू रिमूव. ये देखो ये पिन आ गया. ये बहुत आसान है भाई. सी दिस ब्रेक पैड्स. ये रहा अपना ब्रेक पैड्स. ओके. एंड वॉशिंग के लिए आपको सेंसर भी खोलना पड़ेगा. जो ये ABS का सेंसर है, विल रिमूव दिस ऑल्सो. ओके, दिस इज़ आर सेंसर. ये वाला ABS का सेंसर है. यहाँ से इसको निकालते हैं. विल रिमूव फ्रॉम दिस. और दिस इज़ अ TW40 स्प्रे. ये हम लोग स्प्रे करेंगे इसके अंदर. अच्छे से क्लीन कर लेंगे. एज वेल एज इस सेंसर को भी साफ कर लो आप लोग. हाँ, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया. एंड दिस इज़ द एमरी पेपर. ये एमरी पेपर लेना है, बल्कि ये वाला नहीं लेना है. जो आपको रेगुलर दुकान में मिलता है वो नहीं लेना है. दिस इज़ 330 ग्रेड का एमरी पेपर है ये. यू हैव टू सिंपली टेक दिस और जहाँ पेंट है वहाँ नहीं घुमाना है. ओनली फॉर द बेटर कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट जो है ना, अच्छे से हो जाए अपना ब्रेक का. क्योंकि डोमिनार 400 में ब्रेक वैसे भी पहले तो नहीं लगता यार. डोमिनार 400 का पीछे का ब्रेक समझो कुछ भी नहीं है. तो दिस इज़ द सोल्यूशन. ये देखो कैसे आ गया पिसर. ऐसे ही आपको करना है. हल्के से पकड़ना है, ज़ोर से नहीं यार. एकदम हल्के से पकड़ना है, आगे और पीछे दोनों की तरफ. डिड यू गेट माई पॉइंट व्हाट टू डू. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं. एंड आई विल शो यू वन मोर ट्रिक. जैसे कि आपका ब्रेक, आगे का जो ब्रेक लगता है वैसे हो जाए. ऐसे साफ करने से देखो जो 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 भी डर्ट है उसके अंदर वो निकल जाएगा. और इसको उसके बाद में वाइप नहीं करना है. ओके, डन. ये ब्रेक शू को एक कमाल करते हैं. ये वाला बैक ब्रेक शू जो है ना, उसको क्या करना है बोले तो एक कट देना है यहाँ पे. ऐसा आपको वो भी दिखाता हूँ. ये देखो सेंटर में हम लोग एक कट नहीं देंगे. इधर एक कट देंगे, इधर एक कट देंगे.
एकदम आराम से करना है इसको, और पूरा नहीं काटना है यार, मैं दिखाता हूँ कितना काटना है। ओके, वन, एक और दो। हाँ दोस्तों, फिर ये होने के बाद यू हैव टू वाइप योर एबीएस सेंसर। सी दिस एबीएस सेंसर में कितना निकलता है, ये देख लो, एंड यू हैव टू वाइप दिस। ये टिश्यू पेपर से साफ कर लो, देखो अलग टिश्यू पेपर। Look at this tissue paper, how it is. और लोग इसको भी साफ कर लेंगे, इसको आगे खींचो, ये आगे पीछे जाता है। ओके, इसके अंदर भी साफ कर लेंगे। See, this is coming out. अभी भी इतना dirt है इसमें, it is coming out. वन मोर थिंग, जो यहाँ रबर दिख रहा है आपको, सिर्फ इस रबर और ये जो रबर दिख रहा है ना, उसको लिटरली थोड़ा आगे खींच लो और इसको यहाँ से वाइप कर लो थोड़ा। वाइप करने के बाद इधर ग्रीस नहीं डाल सकते आप, यू कैन टेक ये चेन लूप लेके थोड़ा सा यहाँ पे ओके, थोड़ा सा चेंज लुक करेंगे इसको, क्योंकि ये फ्रिक्शन, ये जो मूवमेंट है वो हो जाए। ओके, आफ्टर द चेन लुक, ये जो ऐसा काम करता ना, हिट दिस विल ऑल्सो बी फ्री, ये भी फ्री हो जाएगा। एंड जो ब्रेक शू हमने आपको, मैंने जो ब्रेक शू बोला था, इट्स ओवर हियर, सी दिस ब्रेक शू, ये हम लोगों ने इधर एक कट और इधर एक कट, इसको पूरा नहीं काटना है। कैन यू सी हियर, इसको पूरा नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा सा ही काटना है, और आके जो अपना स्मूथ वाला एम्ब्री है ना, वही उसी से ही क्लीन करना है। थोड़ा रब कर लो स्मूथ वाले एम्ब्री से, ज़्यादा नहीं। और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग विल प्रेफर वो जो एम्ब्री पेपर जो रफ होता है उसी उससे नहीं करने का, जो स्मूथ वाला एम्ब्री है ना 300 ग्रिड का, उससे करना है। अगर उससे आप लोग करेंगे ना, तो ब्रेक में आवाज़ नहीं आएगा और अब ब्रेक एकदम मस्त पकड़ेगा, जैसे कि साउंड लाइक जो नया ब्रेक्स आता है ना, जो नया ब्रेक शो अब डलाते हैं, फील जैसा रहता है, एकदम स्पंजी वाला, सॉफ्ट वाला फील रहेगा और शार्पनेस भी रहेगा। ऐसे करने से आपको ये वाला ओके, दिस इज द ब्रेक शू, एंड ये ऐसे फिट होगा। इसको फिट करने का आपको तरीका दिखाता हूँ, ये वाला अंदर, ये देखो, ये ऐसे जाएगा, दिस गोज लाइक दिस। ओके, वो वाला, और ये वाला देख लो आप, ये वाला ऐसे जाएगा, देन एंड आफ्टर दिस जो अपना पिन है उसको थोड़ा सा लाइट से ग्रीस लगाएंगे। हाँ, और एक चीज़ भूल गया यार, इसको निकाल लो, हाँ यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये देखो थोड़ा सा उंगली में लेके इसको ग्रीस लगा लो, कोई भी ग्रीस लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि ये वाला वो वाला बोल के नहीं, थोड़ा सा। ओके, दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है शायद, अगर लंबा हो गया तो डोंट ब्लेम मी यार, ये हर एक चीज़ मैं दिखा नहीं सकता, शॉर्ट वीडियो बना नहीं सकता, हर एक चीज़ दिखा के शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता। एंड एज वेल एज दिस इज देयर नो, जो ये अपना पिन है ना, उसको भी थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, इसको सेंटर में रखेंगे
एंड विल पुट इट। ये हो गया अपना ब्रेक शू का काम। नाउ ये देखो, ये वाला जो पिन है ना, दिस पिन, ये वाला उधर जाना चाहिए। ये देखो, दिस वन इज द फर्स्ट पिन एंड दिस वन इज द सेकेंड पिन। उसके बाद अपना ABS का सेंसर, ABS का सेंसर तो मैंने साफ कर लिया था, वाइप वेरी नाइसली, अच्छे से वाइप कर लिया था मैंने, एंड ये वाला भी फिक्स कर देंगे हम लोग। ये मैंने फिक्स कर दिया ABS का सेंसर, कैन यू सी द ABS सेंसर और हियर, ये हो गया। इसके बाद इसका जो ABS सेंसर का जो पाइप है ना, इसके अंदर से लेके ये वाला, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर से लेके ये क्लोज कर देना, हो गया। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो आपका ब्रेक पेडल है ना, ये देखो अभी तो मेरा ब्रेक पेडल एकदम फ्री है, उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे बैठा है, ये थोड़ा सा लूज कर लो और इधर भी लूप कर लेना थोड़ा। आई शो यू हाउ टू डू इट। यू सी द रस्ट ओवर हियर, कैसे रस्ट है ये वाला, ओके। और ये वाला बोल्ट देखो, ये भी रस्ट हो गया, अंदर बहुत सारा रेस्ट है, विल क्लीन इट। जो DW40 है अपना, उससे थोड़ा क्लीन करेंगे। एंड दिस बोल्ट ऑल्सो विल क्लीन, अच्छे से साफ करके। और इसमें से कैसा आ रहा है ये देखो यार, कितना रस्ट है इसमें। तो दिस विल नॉट बी फ्री, और इफ़ योर पेडल इज नॉट फ्री, तो अगर आपका पेडल फ्री नहीं है ना ट्रली, तो वो अच्छा से काम नहीं करेगा भाई। एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, एक मिनट कैमरे का पोजीशन से रखता हूँ, ओके। ये जो अपना ग्रीस है ना, इसमें थोड़ा लगाना है। डोंट पुट ऑयल और डोंट पुट एनी लूप, और एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ऐसे ग्रीस लेना है, इधर से भरना है पीछे, ओके गॉट इट। थोड़ा सा ही लेना बस, थोड़ा सा लेके फिल इट, फिल करके आप उसको फिट कर सकते हो। उसका वॉशर यहाँ पे है, ओके। ये देख लो, ये अंदर गया बोल्ट, ये इधर से आया बाहर, एंड वॉशर इज हियर। आई हैव फिक्स दिस, ये देखो फिक्स हो गया, ये वाला बोल्ट देखो एकदम ग्रीस भी बाहर आ चुका है। इसके बाद देख लो गाइस, जो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द डोमिनेटर, मैं जो प्रॉब्लम बोल रहा था, जो पीछे का ब्रेक नहीं लगता ना, आप अगर ऐसा करेंगे ना, पीछे का ब्रेक एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगर आप वो कट करेंगे, जो ब्रेक शू मैंने बताया था वैसा कट, जैसा जैसा मैंने बताया था वैसा आप कर लेंगे, और ये पेडल को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ विल मूव टू द फ्रंट ब्रेक, फ्रंट ब्रेक भी आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। हाँ दोस्तों, फ्रंट ब्रेक को करने के लिए विल जस्ट रिमूव दिस टू बोल्ट्स, ये बोल्ट को निकाल लेंगे हम लोग। ध्यान से देख लो यार, यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर द फ्रंट ब्रेक्स। जो भी फ्रंट ब्रेक का प्रॉब्लम है टोटल सॉल्व हो जाएगा। जो फ्रंट ब्रेक का नॉइज है, जो चू 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 नॉइज करता है, मेकिंग नॉइज, एंड यू हैव टू रिमूव द ABS सेंसर ऑल्सो। लुक, दिख रहा है, विल रिमूव द ABS सेंसर ऑल्सो। ये आ गया ABS सेंसर बाहर। वॉश करने के बाद भी, आफ्टर वॉशिंग ऑल्सो यू कैन सी द डर्ट ओवर हियर, सेंसर में थोड़ा सा भी डर्ट होने से, अभी वॉश करने के बाद तो एकदम मस्त रहेगा। एक मिनट, आई विल शो यू व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माय ब्रेक। दिस इज आफ्टर 1000 किलोमीटर्स, एंड टू रिमूव दिस, एक पिन
और इधर एक पिन रहेगा, दो पिन। इसके बाद में दिस पिन विल कम आउट, हो गया ना, ये लो दिस पिन हैज कम आउट। आफ्टर दिस दिस इज द ब्रेक शू, ये वाला मेरा नया ब्रेक शू है जो डाला था आफ्टर 1000 किलोमीटर्स चलाया हूँ, बस 1000-1200 किलोमीटर्स के करीब चलाया हूँ। देखो दिस कैसा डर्ट है इसमें, डर्ट पार्टिकल्स कैसा है इसमें देखो, एंड सी माई पिस्टन। और सब लोग बोलते हैं क्या बोल के, सिर्फ इधर ही क्लीन करने का, ओके हम लोग इसको पूरा खोल के क्लीन करना, मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा खोल के कैसे क्लीन करना है। यहाँ पे टॉप पे आपको एक स्टार स्क्रू दिख रहा होगा, एज वेल एज ये भी खोलना पड़ेगा आपको, ओके आई शो यू। देख लो दोस्तों हम लोग ये स्क्रू को खोल रहे हैं, स्क्रू भी खुल गया, वील रिमूव दिस एंटायर थिंग। ये आ गया, सी दिस पार्ट इज, ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। एंड हम लोग दो पिस्टन को भी अंदर कर लेंगे, दिस हैज गॉन इनसाइड, ये वाला भी अंदर चलेगा, देख लो हो गया। व्हाट विल डूज, विल स्टार्ट क्लीनिंग, ये वाला तो क्लीन हो गया है। व्हाट विल डूज, जो हमने उधर एमरी मारा था, जो पीछे किया था, उसी को रिपीट करेंगे। एकदम स्मूथ एमरी है ये, देख लो, और हल्के से मारना है, डू इट वेरी जेंटली, ओके। आफ्टर दैट ये होने के बाद ये मैंने कर लिया है, इसको टिश्यू पेपर लेके साफ करना है, हम इसको भी थोड़ा साफ कर ले यार, एबीएस का जो सेंसर का पार्ट है ना, ये वाला, ओके ये वाला देखो यहाँ पे क्लीन हो गया। यू हैव टू पुट लिटिल ग्रीस ओवर हियर, थोड़ा सा यार, ओके एंड ये देखो कितना नीट है, हाउ नीट इट इज, ओके इधर थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे ग्रीस, विल फिक्स दिस लाइक दिस। ये देखो ये इधर अंदर चला गया, दिस गोज लाइक दिस, ओके चला गया, हो गया। एंड फॉर द ब्रेक शू, आई हैव क्लीन द ब्रेक शू, इसको भी ये स्मूथ वाला एमरी मारना है, स्मूथ स्मूथ वाला, उतना ज़्यादा रफ नहीं है, 30 or 20 grit का एमरी पेपर से ही साफ करना है, ओके उसके बाद इधर थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, विल पुट अ ग्रीस ओवर हियर, पैड को लिटरली ऐसा पकड़ लेंगे, ओके विल पुट द ग्रीस ओवर हियर आल्सो, और मैं बताता हूँ कि कैसे फिक्स करना है इसको। सी ओवर हियर, ये वाला एक ब्रेक शू अपना बैठ गया इधर, हाँ ये वाला चाहिएगा अंदर, ये वाला प्रेस कर लेंगे, ये देखो किन सी ओ है, ये जो है ना इसके ऊपर बैठेगा, हाँ इसके ऊपर ऐसा प्रेस करके बिठा लो, दोनों बैठ गया, यू हैव टू प्रेस लाइक दिस, इंसर्ट कर दो बस, हाँ दोस्तों इधर देख लो, ये इसके ऊपर रहना चाहिए, देन इस ये इसके ऊपर रहना चाहिए, दिस ब्रेक शुड बी, ये ब्रेक शू, दिस ब्रेक शू कैन यू सी हियर, इट शुड बी अपॉन दिस, एंड ये वाला इसके ऊपर रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा लूप करके ग्रीस लगा के विल फिक्स दिस। ये रहा अपना फर्स्ट पिन, ओके एंड वन मोर पिन इज देयर, कहाँ गया, लेट्स सी, ये पिन को मैं बेसिकली दिखाता हूँ कि ऐसे डालना है, ये शुड बी दिस वे, एंड यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है ना, दिस गैप शुड बी देयर टू फिक्स द ब्रेक्स। ये देखो अपना ब्रेक बैठ गया,
ओके एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस प्लेट यार, ये वाला जो प्लेट है ना आपने जो खोला था ना, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस। ये हो गया फिक्स, कैन यू सी द गैप ओवर हियर, गैप दिख रहा है आपको, कैन यू फिक्स द दिस क्लैंप यार, ओके विल पुट द सीवीएस सेंसर, इसका बोल्ट यहाँ आ गया, दिस इज द बोल्ट, कैन यू सी द निपल ओवर हियर, इसको एक थर्ड लूज कर लेंगे, दिस निपल दिख रहा है, एंड होल्ड द ब्रेक, ये देखो ऑयल आ गया, ऑयल आ गया ना, डोंट रोटेट योर व्हील, जस्ट वाइप ऑफ, हाँ दोस्तों अभी तो ब्रेक में सी वहाँ पर खोडस सी द ब्रेक कितना है पर एकदम फुल, एंड यू वॉन्ट गेट एनी ब्रेक का साउंड नहीं आएगा आपको, लगा द ब्रेक हैज़ बीन फिक्स्ड, दैट्स इट गाइज, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इतना सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, अगर आपको वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी